हेलो गाइस, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। नई रोम के साथ रेडमी के 20 में नाइटली बिल्ड रोल आउट हो चुका है। इसमें आपको क्या क्या फीचर्स वगैरह देखने को मिलते हैं, मैं सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके। आपको मैं दिखा देता हूँ माई डिवाइस में चल के रोम कौन सी है, कौन सा अपडेट है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे 12.5 नाइटली बिल्ड है। ठीक है, आप देख सकते हो इस तरह से आपको इसमें ओटी अपडेट भी इसमें देखने को मिलता है। आप यहाँ पे करोगे, अगर ओटी अपडेट आ रखा होगा तो आप यहाँ से मैनुअली फ्लैश कर सकते हो। आपको इसमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, उस फीचर्स के बारे में बात करेंगे। जो आपको मैन मैन फीचर्स देखने को मिलते हैं, उन्हीं फीचर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है, सेटिंग की। तो सेटिंग में जाते हैं, ठीक है, आपको क्या कुछ नया देखने को मिलता है। ठीक है, आप यहाँ पे नेटवर्क वगैरह में देख सकते हो, आपको डबल वॉल्टी इनेबल मिलता है, डबल 4G HD में। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें यहाँ पे आपको वॉलपेपर की, ठीक है, ये सेटिंग तो सब मोबाइल में सेम होती है, तो इसलिए इनकी अपन बात नहीं करेंगे। जो जो इसमें चेंजिंग वगैरह है उनकी ही बात करेंगे। ठीक है, वॉलपेपर वगैरह में आप जाओगे तो ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, आपको यहाँ पे AOD का फीचर्स वगैरह मिल जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो AMOLED डिस्प्ले का वगैरह का आपको यहाँ पे नीचे काफी कस्टमाइज वगैरह देखने को मिल जाता है। ठीक है, बाकी स्टेबल रोम में आपको यहाँ तक ही मिलता है। ठीक है, और आप इसमें नीचे देख सकते हो, बहुत सारी यहाँ से आप डाउनलोड करके इनको इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको ये फीचर्स देखने को मिल जाता है AMOLED डिस्प्ले का। ठीक है, यहाँ से आप इसके आइकन वगैरह साइज छोटी बड़ी कर सकते हो। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें आपको वॉलपेपर वगैरह, ठीक है, यहाँ पे आपको यहाँ पे प्री स्टोर वॉलपेपर वगैरह बहुत सारे इसमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो इस तरह का आपको वॉलपेपर देखने को मिल जाता है। इसमें आपको सुपर वॉलपेपर का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हो नॉर्मल वॉलपेपर है, आप यहाँ से इसको डाउनलोड करके सिंपल से आप इस पर अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो वॉलपेपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और इसमें आपको ये जो ये नेपाल मिलता है, जो ये चाइना का, ये बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में अगर आप बैक आओगे, ठीक है, इसमें ये हो गया, उसके बाद में आपको रिंगटोन वगैरह, फोन रिकैप, फिंगरप्रिंट एनिमेशन, यहाँ से आप इसका चेक कर सकते हो किस तरह का आपको फिंगरप्रिंट एनिमेशन वगैरह देखने को मिलता है। ठीक, ये आप देख सकते हो, यहाँ से इस तरह का आप उसमें फिंगरप्रिंट एनिमेशन देखने को मिलता है, पॉइंट स्टाइल और नोटिफिकेशन। ठीक है, आप देख सकते हो इस तरह का आपको इसमें फोर्ट UI इसमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें सेकेंड हैंड चेंजेस की, ठीक है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आओगे तो आपको यहाँ पे राइज टू वीक और लॉक स्क्रीन क्लॉक फॉर्मेट आपको इसमें 4 टाइप के देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो इस तरह से आप इसको एडजस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, चार्जिंग एनिमेशन वगैरह आप देख सकते हो यहाँ पर, डिस्प्ले चार्जिंग एनिमेशन आफ्टर डिवाइस अनलॉक। ठीक है, तो चार्जिंग एनिमेशन अगर आप ये रखना चाहते हो डिवाइस अनलॉक होने के बाद में भी, तो यहाँ पे आपको इसको इनेबल करना होगा। ठीक है, उसके बाद में डिस्प्ले की बात करते हो तो आपको डार्क मोड देखने को मिल जाता है, रेडिंग मोड, कलर आप यहाँ से इसका चेंज वगैरह कर सकते हो, आपको अपने हिसाब से आप देख सकते हो इस तरह से एडजस्ट वगैरह करके आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आते हैं यहाँ पे कंट्रोल। ठीक है, यहाँ पे आ गए कंट्रोल एंड स्टोरेज बार पे, तो आप यहाँ से बैटरी आइकन वगैरह चेंज कर सकते हो और यहाँ से 100 स्पीड कनेक्शन इसको इनेबल कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे स्पीड कनेक्शन इनेबल हो जाएगा। ठीक है, आप जैसा कि देख सकते हो इसमें। ठीक है, उसके बाद में स्क्रीन रोटेट वगैरह, यहाँ से आप कंट्रोल सेंटर का सब कुछ 4G वगैरह इनेबल कर सकते हो, वापस ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर्स आ जाता है यहाँ से। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में साउंड एंड वाइब्रेटर्स का आपको ये फीचर्स देखने को मिलता है, जो सभी मोबाइल में देखने को मिल जाता है। ठीक है, नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर में जाओगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हो ऑल डोर नया देखने को मिल जाता है। ठीक है, आप देख सकते हो इधर ये नया वाला इनेबल हो चुका है। ठीक है, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका सामने ऑल डोर वाला कंट्रोल पैनल इनेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको ऑल डोर नया इनेबल कर सकते हो। उसके बाद स्टेटस बार वापस होम स्क्रीन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद में जाओगे होम स्क्रीन में तो आपको यहाँ में पोको लॉन्चर का देखने को सपोर्ट नहीं मिलता, सिस्टम लॉन्चर का मिलता है, जो बहुत अच्छी बात है। इसमें आप कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो क्लासिक रखना है आपको या ऐप ड्रॉअर रखना है, जो आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ऐप ड्रॉअर सेलेक्ट करते हो तो उसके बाद में आप देख सकते हो इस तरह से स्वाइप करोगे तो इस तरह से आपका फीचर्स वगैरह इनेबल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो इस तरह से। ठीक है, अगर आप इसको ऐप ड्रॉअर नहीं रखना चाहते हो, इसको बंद करना चाहते हो, क्लासिक रखना चाहते हो, तो आपको इधर से स्वाइप अप करना पड़ेगा जैसे इसमें दिखा रहा है। तो ऐप ड्रॉअर इजी होता है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। और यहाँ से आप इसका बैकग्राउंड वगैरह डार्क करना चाहते हो, कैसा करना चाहते हो, आपके हिसाब से यहाँ से कस्टमाइज वगैरह सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, ऐसा करूंगा मैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस तरह से बैकग्राउंड में भी यही कलर सिलेक्ट हो गया। तो इस तरह का आपको इसमें फीचर्स देखने को मिल जाता है, ये इसमें आपको अच्छा लगता है।
ठीक है, स्क्रॉल में आप ए टू जेड कर सकते हो। उसके बाद में नेविगेशन बार में आओगे, ठीक है, तो आपको अगर बटन इनेबल करना है तो यहाँ से बटन इनेबल कर सकते हो, ठीक है, और गैसेस इनेबल रखना है आपको वापस, तो यहाँ से गैसेस इनेबल कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इस एंड्रॉइड 10 ने गैसेस को हाइड करना चाहते हो, यहाँ से इसको हाइड कर सकते हो, ठीक है, आप जैसे देख सकते हो वापस इनेबल करना है, यहाँ से इनेबल कर सकते हो, ठीक है। इसमें सब कुछ दिखा रखा है आपको कैसे क्या इसका यूज करना, ठीक है। आप नीचे देख सकते हो आइकन, ठीक है, साइज वगैरह छोटी यहाँ से बड़ी कर सकते हो, ग्लोबल आइकन एनिमेशन देखने को मिल जाता, शो मेमोरी स्टेटस आपको देखने को मिल जाता, जो आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर रोम वगैरह क्लियर दिख जाएगी कितनी है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं नीचे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी की, तो आपको यहाँ पर फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट अनलॉक देखने को मिल जाता है, जो फास्ट वर्किंग है, ठीक है, जो आप यहाँ अपने हिसाब से सेकंड स्पेस का ऑप्शन आपको यहाँ पे इसमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। फास्ट अनलॉक है इसमें, फेसबुक वगैरह जो भी ऐप अगर यूज करते हो आप तो उसमें बहुत जल्दी अनलॉक हो जाता है, ठीक है। एक मेन दिक्कत इसमें यह है कि आपको इसमें थोड़ी बहुत चाइनीज लैंग्वेज देखने को मिलती है, क्योंकि ये नाइटली अपडेट है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो और इधर भी आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे चाइनीज वगैरह लैंग्वेज में आपको इस तरह से देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस तरह से आप इसको डेली ड्राइवर के रूप में इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि मैंने इसका पूरा रिव्यू कर रखा था कल, मतलब बैटरी बैकअप वगैरह इसका अच्छा है, ठीक है। तो आप यहाँ से फिंगरप्रिंट वगैरह पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हो। उसके बाद में आप नीचे आओगे बैटरी, तो बैटरी में आपको इस तरह की यूआई देखने को मिल जाती है, यहाँ से आप अल्ट्रा बैटरी सेवर ऑन कर सकते हो और बैटरी सेवर यहाँ से इनेबल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह और चार्ज आपने कितनी टाइम की बैटरी, तो ये यहाँ पे आपको शो कर लेगा, ठीक है। उसके बाद मी ए फीचर्स है जो इसमें बोलने वाला है चाइनीज लैंग्वेज में, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से इसको आप इनेबल वगैरह कर सकते हो, ठीक है। आप जैसे बोलोगे उस तरह से ये काम करेगा, ये फीचर्स है इसमें, चाइनीज लैंग्वेज में है इसमें, ठीक है। उसके बाद में आप नीचे आओगे स्पेशल फीचर्स में, तो आपको यहाँ पर गेम टर्बो वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो इस तरह से गेम टर्बो आपको इसमें इनेबल देखने को मिलता है, ठीक है। इसके आगे गेम आपको ऐड करना होगा, उसके बाद में इसमें आप पबजी वगैरह रन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे वीडियो टूल बॉक्स और ठीक है टैब फ्लश भी आपको देखने को मिल जाता है, जो बहुत अच्छा फीचर्स है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से इसका आप यूज कर सकते हो पावर बटन का मेन्यू का यूज करके, ठीक है। उसके बाद में सेकंड स्पेस फ्रंट कैमरा इफेक्ट वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपको फ्लोटिंग विंडो, सेकंड स्पेस, काइट्स स्पेस, रैम यू लैब वगैरह देखने को मिल जाता है, ठीक है। और इसमें आपको स्क्रीन ऑन टाइम भी देखने को मिल जाता है, जो आप सब कुछ यहाँ पर डेली और वीक का देख सकते हो, और फोकस मोड का सपोर्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। इस तरह से आप इसमें देख सकते हो ये सब, यहाँ से आप डेली का देखना चाहते हो तो यहाँ से आप इसका यूज कर सकते हो, वीक का देखना चाहते हो यहाँ से आप अपना यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अकाउंट वगैरह का आपको मिल जाती है, ठीक है, ये सब कुछ इसमें फीचर्स आपको मिल जाता है, ठीक है। अगर आपको भी ये रोम इंस्टॉल करना है, कैसे बूट लोडर अनलॉक करना है, तो मैंने इसका ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियो डाल रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं कैमरा क्वालिटी की इसकी, ठीक है। कैमरा में आपको AI मोड देखने को मिल जाता है, जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है। कैमरा क्वालिटी भी इसकी अच्छी है, ठीक है, देख सकते हो आपको कैमरा क्वालिटी इसकी एकदम शानदार है, पिक वगैरह नहीं फट रही, ठीक है। आपको इसमें AI का मोड का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। पोर्ट्रेट मोड फीचर्स में जाओगे तो आपको यहाँ पे व्लॉग वगैरह, ठीक है, यहाँ पे आपको स्टिकर वगैरह देखने को मिल जाता है, जैसा कि आप देख सकते हो इस तरह के इसमें स्टिकर दे रखे है, ठीक है। आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप इस तरह से यहाँ से स्टिकर वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, और यहाँ पे क्लोन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और अगर इसकी सेटिंग में जाओगे तो, ठीक है, वीडियो की सेटिंग में जाओगे तो आपको कौन सी क्वालिटी देखने को मिलती है मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे ऊपर जाओगे तो आप देख सकते हो 4K आपको 30 FPS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। तो यही इसका रिव्यू था, ठीक है। अगर आप चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन मिल सके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत, वंदे।